पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। अचानक मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगे हैं? अभी कुछ दिन पहले तो सब मुझे इतना प्यार कर रहे थे, तो अचानक इतनी नफरत क्यों? कोई नफरत नहीं करता तुमसे, ये बस सिर्फ तुम्हारे दिमाग में। हम बस कुछ गलत चीजें सही करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जरूरी तो नहीं ना कि अब तक जो गलत होता आ रहा है वो आगे भी ऐसे ही गलत होता रहे। अब तक किसी का ध्यान नहीं गया उस पे, तो आगे भी ना जाए। पल्लवी, तुम अपनी लाइफ की ना सबसे बड़ी गलती कर रही हो। समझ ही नहीं रही हो कि तुम्हारा सच जरूरी नहीं है कि हम सबका सच हो। तुम्हारी नजर का आधा भरा हुआ ग्लास हमारी नजर का आधा खाली ग्लास भी तो हो सकता है ना। तुम्हें क्यों नहीं समझ रही हो कि तुम रिया के साथ साथ उसके होने वाले बच्चे को भी इन्वॉल्व कर रही हो? और रिया ना इस पूरी फैमिली को बहुत प्यार करती है, हर्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने ये सब प्लान बनाया ताकि सच सबके सामने आए। प्लान तो झूठ के लिए होता है ना, सच को प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, सच बस कह दिया जाता है। हाँ, तो बताया था ना रिया ने प्राची का सच। और आपको लगता है जो रिया बोलेगी वो हम मान लेंगे? सच हिम्मत के साथ बोला जाता है, बेशर्मी के साथ नहीं। हम हिम्मत का काम ही कर रहे हैं शाना, जो सच सबके सामने ला रहे हैं। तो तुम ना अपना मुंह बंद करो और देखो कि सच कैसे तुम्हारे मुंह पे ना सच बनकर पड़ता है। आओ प्रिया, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बट सबको सच बताने से पहले अच्छा होगा कि तुम अपना इंट्रोडक्शन सबको दे दो। हेलो, माय नेम इज प्रिया, मैं बेंगलोर के एक लिंक्डइन होटल में काम करती हूँ। मुझे इस सब के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलता। अगर उस दिन सिड पार्टी में नहीं आया होता, वो पार्टी में आया, मैंने उसे देखा, जानते हो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि प्राची और सिड दोनों एक कमरे में थे। मैं तुम्हें मिलने आया, तुम्हें और बेबी को बहुत मिस कर रहा था ना, तुम्हें देखने आया था। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया हुआ था। नहीं, थोड़ा सा प्राची, प्राची आई और प्राची, सिड प्राची को दिलासा दे रहा था, बोल रहा था कि किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप इस घर से निकल जाओ। देखो, मैं यहाँ आया था ना, ये किसी को बताना मत। डोंट वरी, मैं नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।